आते हैं, फॉर एग्जांपल ऊपर आते हैं तो सेम डायरेक्शन में ऊपर आपको रेजर ब्रीफ एक होता है, बॉक्सर एक होता है बॉक्सर ब्रीफ। भी पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, कोई साथ में आ जाता है, कई लोग यूरिनेट नहीं कर पाते और ये होता है आपका पल्स पॉइंट। Hi guys, welcome back to my channel. This is Karan SD, your own the formal edit. आज हम बात करने जा रहे about those things which your dad never taught you. ऐसा क्यों? Parents are getting cooler. It's 2021 now. और क्या? Dad बहुत chill हो रहे हैं. लेकिन there are few things which you can never talk to your dad because of that father-son relationship. या हमारी traditional values ऐसी हैं. कभी-कभी वो ज़्यादा personal चीज़ें हम discuss नहीं कर पाते. फिर हम क्या करते हैं? वो अपने friends से discuss करते हैं या वो internet पे search करते हैं और वो इतनी personal और important चीज़ें होती हैं. We end up doing it wrong. या वो blunder कर देते हैं या वो backfire कर देती है. तो वो मैं नहीं चाहता. इसलिए आई थॉट एज अ ब्रदर एज अ यूट्यूबर मैं आपसे बात करूं चीजों के बारे में और वो क्या चीजें हैं. फर्स्ट इज योर बॉडी हेयर रिमूवल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हाइजीन. चाहे आपका चेस्ट हो, चाहे आपके अंडर आर्म्स हो, चाहे आपके प्यूब्स हो, अगर आपको टेक्निक पता है तो बहुत अच्छी बात है. इफ यू डोंट नो द टेक्निक, गलत पता है या आपको डायरेक्शंस नहीं पता तो उससे दाने, कट्स, बर्न्स या रेडनेस हो सकती है हटाने के बाद बाल. क्या ध्यान रखना है? जब भी आप रेजर यूज करते हैं जिस डायरेक्शन में आपके बाल आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऊपर आते हैं तो सेम डायरेक्शन में ऊपर आपको रेजर यूज करना है. ऑपोजिट करा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी, हीट ज्यादा पैदा होगी, क्लीन तो ज्यादा करेगा, 8 से 10 का फर्क आएगा. लेकिन आपके जब फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो दानों का, अगर सेंसिटिव स्किन है तो रैश का और क्या कट्स का चांसेस ज्यादा है. व्हेन इट कम्स टू अ ट्रिमर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में बाल हटा सकते हैं. वन मोर टिप फॉर बॉडी हेयर रिमूवल, आपको गर्म पानी से नहाना है, आपके पोर्स ओपन होंगे, इजीली आपके जो बाल है वो कटेंगे खींचेंगे नहीं. एंड सेकंड पार्ट क्या है, आप जब भी हटाएं उसके ऊपर कोल्ड वाटर लगाएं, पोर्स क्लोज होते हैं, बैक्टीरिया एंड एक्ने के चांसेस कम होंगे. जब हम परफ्यूम या डिओडोरेंट की बात करते हैं हम अपने डैड से तो नहीं पूछ सकते, नहीं तो ये होगा. द परफेक्ट वे टू अप्लाई परफ्यूम मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है. सबसे पहले आप जब भी लगाते हैं उसको रब ना करें. बहुत लोग ये गलती करते हैं, आपकी बॉडी के जो नेचुरल ऑयल्स है वो टॉप नोट्स के साथ मिक्स होंगे, वो लास्ट नहीं करेगा ज्यादा या उसकी जो एक्चुअल फ्रेग्रेंस है वो नहीं आ पाती. और दूसरा क्या ध्यान रखना है, कपड़ों पे बेसिकली नहीं लगाना. मेरे बोलने का मतलब कपड़ों का फैब्रिक डल कर सकता है. आप जब भी लगाएंगे आपको पहले मॉइस्चराइजर लगाना है, वो लॉक करता है परफ्यूम को ज्यादा देर के लिए. पल्स पॉइंट्स पे लगाएं और ये होता है आपका पल्स पॉइंट. और फिर डिओडोरेंट की बात आती है. हम ज्यादातर गलती क्या करते हैं, जब हम नहा के आते हैं बॉडी गीली होती है तब लगाते हैं या स्वेटिंग करते हैं तब लगाते हैं. ड्यूरेंट के पीछे ही लिखा होता है अप्लाई व्हेन ड्राई. जब आपकी बॉडी ड्राई होती है लीस्ट एक्टिव होते हैं उस टाइम आपके स्वेट ग्लैंड्स, उससे ज्यादा अब्सॉर्ब ज्यादा करेगा आपका ड्यूरेंट और ज्यादा देर लास्ट करेगा. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अंडरवेयर जो है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है. एक होता है ब्रीफ, एक होता है बॉक्सर, एक होता है बॉक्सर ब्रीफ. अब ये आपकी लाइफस्टाइल एंड 4 कैटेगरी के हिसाब से जो सबसे ज्यादा आप रिलेट कर पाए वो आपके लिए परफेक्ट है. सबसे पहले हम कहते हैं लुक्स. सबसे पहले जब ब्रीफ की बात करेंगे इट इज मोर क्या कवर करता है जितना रिक्वायर्ड है, लिटिल शॉर्ट एंड बिल्कुल सपोर्ट करता है. और क्या होता है उसके बाद आते हैं बॉक्सर्स. वो आपके निक्कर का एक काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स है, मोर रिलैक्स्ड एंड ब्रीफ बॉक्सर्स क्या होते हैं, इट अ मिक्स ऑफ बोथ और हल्का सपोर्ट भी होता है. अब आती है कंफर्ट की बात. ब्रीफ्स आर कंफर्टेबल, नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट हां जब मूवमेंट ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी आपके पूरे दिन ज्यादा है तो ब्रीफ्स अच्छा है. जब बॉक्सर्स की बात आती है बिल्कुल रिलैक्स्ड, और ब्रीफ बॉक्सर में क्या होता है रिलैक्स्ड भी है बट सपोर्ट भी है. जब हम ब्रीफ की बात करते थे थिन मस्कुलर बॉडी टाइप पे जाते हैं, बॉक्सर ब्रीफ ऑलमोस्ट हर बॉडी टाइप पे चले जाते हैं. बॉक्सर्स थोड़े चबी या ह्यूज लोगों पे ज्यादा अच्छा लगता है, थिन लोगों पे नहीं. एंड अब हम बात करेंगे क्या फंक्शनैलिटी की. फंक्शनैलिटी का मतलब क्या है, कवरेज और सपोर्ट कितना दे रहा है, उस बेसिस पे हमने ये पॉइंट्स दिए हैं. और इन बेसिस पे चारों फैक्टर के बेसिस पे आप रिलेट कर सकते हैं, नाउ यू कैन पिक अ गुड अंडरवेयर. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइजीन. कभी आपने नोटिस करा होगा आपके पीनिस पे जो फोर स्किन या टॉप स्किन होती है उस पर थ्रेड लाइक स्टिकी सब्सटेंस रह जाता है. वॉट इज दैट, बेसिकली आपके जो डेड स्किन सेल एंड ऑयल प्रोडक्शन होता है उसके लिए कई चीजों का ध्यान रखना है. आप जब भी दिन में एक बार आपको टाइम मिले ल्यूकवॉर्म वाटर से हल्के गुनगुने पानी से और हल्का सा उसको क्लीन कर ले आपकी जो टॉप स्किन होती है, देन ओनली वेयर अंडरवेयर. जब भी आप पी करें अपना ब्लैडर अच्छे से क्लीन करें तब जाके अंडरवेयर पहने एंड पी करने के बाद हल्का सा उस पर गुनगुना पानी डाले एंड उसको ड्राई होने दे, देन ओनली वेयर द अंडरवेयर. नहीं तो क्या वो आपके फैब्रिक से चिपक जाता है और वो थ्रेड्स रह जाते हैं. और क्या चीप फैब्रिक नहीं पहनेंगे अंडरवेयर्स के एंड टाइट नहीं होना चाहिए. वॉलेट कैरी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो नोट मुड़ रहे होते हैं, सिक्के नीचे गिर रहे होते हैं, दैट्स अ टर्न ऑफ. चाहे आप मेट्रो में ट्रैवल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहीं पर भी ट्रैवल करें, कम कैश रखिए, स्लीक रखिए, लेकिन कैरी करें, वो बहुत अच्छा लगता है. लेकिन घर की चाबी, मेट्रो का एक्सपायर्ड कार्ड, समोसे वाले का कार्ड, वो सब कुछ नहीं डालना, मोटा नहीं करना अपने जबरदस्ती वॉलेट. क्यों? उसके दो रीजंस है. पहला आपका बम सोर हो जाता है ज्यादा देर उस पे बैठते हैं. दूसरा हेल्थ इशू वेरी मेजर, क्या हिप इंबैलेंस होगा. हिप इंबैलेंस से क्या होता है आपकी जो स्पाइन है उस पे लोअर स्पाइन पे स्ट्रेस आता है तो लोअर बैक पेन, बैड पोस्चर हो सकता है और क्या नर्व्स भी डैमेज हो सकते हैं. सो जब भी बैठे उसको आगे वाली पॉकेट में स्विच करें या टेबल पे रखें. अगला है शाय ब्लैडर सिंड्रोम, जिसको पेरियोसिस भी कहते हैं हम साइंटिफिक भाषा के अंदर. इसके अंदर क्या है, दिस इज द सेकंड कॉमन फोबिया आफ्टर पब्लिक स्पीकिंग जो लड़कों ने रेट करा है. होता क्या है, कभी पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं कोई साथ में आ जाता है गोटी
कई लोग यूरिनेट नहीं कर पाते हैं उस टाइम, थोड़ा सा सोशल एंग्जाइटी हो जाती है, उनके जाने का वेट करते हैं या उस टाइम एक्टिंग करते हैं वो कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पाता, एंड दैट्स अ कॉमन ट्रूथ। इसमें करना क्या है, पहला क्या, आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, वो धीरे धीरे सोशल एंग्जाइटी कम करते हैं। अगर वहाँ पर नहीं जाना आपको, बहुत कॉमन चीज़ है, कोई सीरियस चीज़ नहीं है, आप कुंडलिनी योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें ब्रीदिंग प्रैक्टिस होती है जो आपकी सोशल एंग्जाइटी को रिलैक्स करती है एंड बहुत फर्क आता है। हाउ टू क्लीन द प्यूब्स करेक्ट वे, सबसे पहले आपको क्या करना है, गर्म पानी से नहाना है, वो अच्छे से बाल हट जाएंगे, ईजिली हटेंगे। उसके बाद क्या करना है, रेजर ट्रिमर या सीजर जो भी आप यूज करें उसको 2 मिनट के लिए एंटीसेप्टिक में डिप करना है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो आपको। नीचे आपको ड्राई न्यूज़पेपर या टॉवल रखना है, गीला नहीं होना चाहिए, बाल चिपक जाएंगे। उसको डिस्पोजल वॉश बेसन में नहीं करना या आपके बाथरूम के नाली में नहीं करना, वो जाम हो जाएगी, घर पर लठमार होली होगी। आप जब भी उसको इकट्ठा कलेक्ट करके डिस्पोज करें या आप बाहर फेंके कहीं, नहीं तो उसको अच्छे से फ्लैश करें, और बिल्कुल आपका लेफ्ट ओवर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हैरान, सारे के सारे बाल यही काट दिए वॉश बेसन में। सॉरी मम्मा, बाल तो तेरे कटे नहीं। वाई स्लीपिंग अंडरवेयर और नो अंडरवेयर, यू कैन गो कमांडो, मतलब विदाउट एनी अंडरवेयर आप पजामास पहन सकते हैं, आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करता है। और क्या, जब ज़्यादा टाइट रहते हैं वो तो क्या, आपका जो बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है, सीमन क्वालिटी को भी इफेक्ट करता है। एंड एज पर द आयुर्वेदिक स्टडीज भी कहा गया है कि टाइट अंडरवेयर नहीं पहनने चाहिए विच आर लिंक टू लाइट फॉल्स। आधा दिन भी नहीं होता, स्कूल हो, कॉलेज हो, मीटिंग हो, मेट्रो हो, कुछ भी हो, हाथ बार बार नीचे जाता है, इचिंग कभी कभी इतनी अनबेरेबल हो जाती है, जॉक इच इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन गाइस। क्या ध्यान रखना है आपको, सबसे पहला क्या, आपको अपना डाइट में विटामिन सी ज्यादा डालना है, पानी ज्यादा रखना है, फ्राइड और मीठा कम रखना है। और जब भी आप नहा के आते हैं, बॉडी गीली होती है, आपको एकदम से अंडरवेयर नहीं पहनना, आपको बॉडी को पहले सूखने देना है, नहीं तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी इचिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। फेक अंडरवेयर या उसकी लोकल कॉपी ना पहने, उसका फैब्रिक चीप होता है, उससे भी इचिंग बढ़ती है। करेक्ट फिट ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए आपका अंडरवेयर। एंड ऑल्सो अपने पुराने अंडरवेयर को नेक्स्ट डे आपको बिल्कुल रीयूज नहीं करना, और अपने इंटीमेट वॉश डाल सकते हैं नहाते हुए, अगर वो नहीं करना तो कर्ड वॉश इज ऑल्सो गुड। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको बताया वो चीजें विच योर डैड कैन नेवर टीच यू, बट येस योर ब्रदर टोल्ड इट टू यू। अगर आपको मजा आया वीडियो में तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन नेक्स्ट टॉपिक का नाम। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।